मुझे प्रॉमिस किया है महादेव, देखती हूँ कब तक चलती है आपकी आंख बिचौली। आपको मुझे वापस लेने आना ही होगा, आना होगा महादेव। मैं आपको विवश कर दूंगी महादेव, विवश कर दूंगी यहाँ आने के लिए, विवश कर दूंगी। भक्ति में मैं मिट जाता है, भक्ति को मैं की स्वर्थ नहीं रहती, उसके लिए चारों ओर कण कण में आराधे ही उपस्थित रहते हैं। परंतु प्रेम में केवल मैं रहता है, भक्ति आराध्य में स्वयं को पूर्णता विलय करना होता है। परंतु भक्ति में ना तो स्व होता है और ना ही अभिमान। मैं भक्ति नहीं जानती महादेव, केवल आपको जानती हूँ, अपने स्वाभिमान को जानती हूँ, जो आपकी उपेक्षा के कारण दस ज्वालामुखी बन चुका है। अब आपको मेरे इसी स्वरूप को स्वीकार करना होगा। मैं अपने काली स्वरूप में ही आपको प्राप्त करूंगी और यही मेरा प्राण है, और यदि ये मेरा प्रेम है भक्ति नहीं तो इस बार भक्ति की नहीं प्रेम की जीत होगी, प्रेम की जीत होगी। प्रेम और भक्ति लक्ष्य पर पहुंचने के दो मार्ग हैं। आइए माँ, ये मेरी माता है महासती अनुसुईया। राम देवी, अब आप लोग जाकर विश्राम कीजिए। नंदी जी, आप इन लोग के लिए भोजन आदि का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, आप सब मेरे साथ चलिए, आइए। कहिए माँ, क्या बात है, किस बात से विचलित हैं आप? तेरी मित्र देवी पार्वती का इस काली रूप से मैं चिंतित हूँ शिव। उनका ये रूप बहुत ही विनाशकारी है, लंबे समय तक उनका इस रूप में रहना उचित नहीं है, और वो तो सबसे अधिक रुष्ट मुझसे है। उस दिन तो मुझे मार ही डालती, ये तो अच्छा है कि उनके भक्त ने उनको पुकार लिया। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, मित्र ने तब आपसे जो भी कहा क्षोभ से जन्म क्रोध के कारण कहा, और क्रोध में पहले विवेक समाप्त हो जाता है। देखिएगा, जब उनका क्रोध शांत होगा तब उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप होगा माँ, और वो आपसे अवश्य क्षमा मांगेंगे। उनका ये विनाशकारी रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा शिव। मित्र काली का रूप जितना भयावह है, उनका हृदय उतना ही कोमल है माँ। उनकी विकरालता मात्र उनका आवरण है, जिसके भीतर वो क्रोधवश बंदी हो गए। हमें किसी भी प्रकार से उन्हें क्रोध के इस बंधन से मुक्त करना होगा माँ, इसी में सबका हित है।
कोई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा बालिके, तेरी भलाई इसी में है। तू स्वच्छता से हमारी साथ चल, अन्यथा बलपूर्वक ले जाना होगा तुझे। मेरी रक्षा करो, मां मेरी शील की लाज बचाइए, मां मेरी रक्षा कीजिए। श्री को शीघ्र अति शीघ्र देनी होगी। याद है तुम्हें दारुका, जब इसी काली ने मेरा सर्वस्व छीन लिया था? याद है, परंतु आज इस अग्नि की भांति काली की सहायता ने वर्षों से मेरे भीतर सुलगती उस शत्रुता की अग्नि को और भड़का दिया है और प्रचंड कर दिया है। वर्तमान में यदि कोई हमारा भला करे तो अतीत की उसकी त्रुटियों को भुला देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वही काली हमारी रक्षा करने आई है, देवताओं के दास्तां से मुक्त कराने आई है। काली अपने वरदान के कारण आई है। जिस भी कारण आई है, करुणा तो की है ना उन्होंने। इस सत्य को कभी नहीं भूलना, काली जितनी करुणामयी है उससे अधिक विनाशकारी और क्रोधी भी है। संहार करती है वो दोषियों का, इसलिए अपने द्वेष और प्रतिशोध को त्याग दो। नहीं त्याग सकता मैं। अपने प्रतिशोध की भावना को दारुका, अवसर मिलते ही अपनी बर्बादी का प्रतिशोध लूंगा मैं उससे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भ्राताश्री शुभ समाचार है, कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। काली की क्या प्रतिक्रिया थी? क्रोध की प्रचंडता, आपके बिछाए षड्यंत्र के बिसात के मोहरे हमारे असुरों ने शमशान के पास वाले गांव की एक कन्या को दूरता की चाल चलकर शमशान की ओर दौड़ाया। बस उसे देखते ही काली की क्रोधाग्नि प्रचंड हो गई। उसके बाद? और उसके बाद जो हुआ वो हृदय दहलाने वाला था। काली की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित रखना है, उसे भोजन देते रहना है। परंतु जो इस समय उसके पास भोजन लेकर जाएगा वो उसकी क्रोधाग्नि का भाजन बनेगा। वही तो मुझे चाहिए अजामुखी, और वही उसे भी चाहिए, क्योंकि काली का भोजन है रक्त। इसका मतलब है हमें समय समय के मध्यांतर में अपने असुरों को उसके पास भेजना होगा, और उसके साथ काली और बाल शिव को एक दूसरे का घोर विरोधी बनाए रखना होगा। इससे भी उसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं होगी, और वो कभी पार्वती नहीं बन पाएगी। इस पुनीत कार्य के लिए किसे चुना है भ्राताश्री आपने? वृषभासुर को। महान असुर राज तारकासुर की जय हो। ऋषभ आपकी सेवा में उपस्थित है, आदेश करे। अश्वासुर, महाशमशान के आसपास के समस्त गांवों की स्त्रियों का अपहरण करवाओ, और तोतासुर से कहो कि बालशिव पर दृष्टि रखें।